हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन अ सिंगल सिलेंडर इंजन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मासेस इन अ मल्टीपल प्लेन, ओके। और उसकी ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड भी हमने देखी और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो रेसिप्रोकेटिंग मास के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, और उसका बैलेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं फॉर द सिंगल सिलेंडर इंजन। नाउ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल सिलेंडर इंजन, यहाँ पे पिस्टन दिया हुआ है और ये जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर से ये जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। अब ये पिस्टन जो है उसका कुछ मास होगा, ठीक है, और जब मास होगा और रेसिप्रोकेट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे इनर्शिया फोर्स लगेगा। अब जो इनर्शिया फोर्स लग रहा है तो पिस्टन की जो मूवमेंट अगर इस साइड है, ठीक है, पिस्टन की मूवमेंट इस साइड है तो उसका जो इनर्शिया फोर्स है वो कुछ इस साइड लग रहा है, ठीक है। अब इनर्शिया फोर्स क्या है ऑलमोस्ट आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। एज ए एग्जांपल, जैसे कि आप कार में या बस में जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है तो आपका जो बॉडी होता है वो आगे की साइड मूव होता है, ठीक है, आगे की साइड झुक जाता है। दैट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स, ओके। नाउ यहाँ पे पिस्टन जो है उसका हम कुछ मास कंसिडर कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे इनर्शिया फोर्स लग रहा है। सो बेसिकली इन अ सिंगल सिलेंडर इंजन के बैलेंसिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। अब यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन है, ठीक है। देन सेकेंड इज बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस फोर्स बाय कन्वीनियंट मेथड। तो यहाँ पे जैसे ये क्रैंक रोटेट हो रही है तो यहाँ पे हम इसके अपोजिट साइड कुछ मास कुछ रेडियस के साथ हम यहाँ पे रखेंगे और उसको हम बैलेंस करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। अब हमें ये जानना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनर्शिया फोर्स है उसका इक्वेशन की बात करें, सो एफ आई इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अब ये जो एक्सेलरेशन है तो ये पिस्टन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एफ लिखा है, आप ए भी लिख सकते हो। सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पिस्टन, ओके, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मास इज ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन। तो ये उसका एक्सेलरेशन होगा। और अगर हम इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट करते हैं, एफ आई इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन। इसमें जो एम है दैट इज द मास ऑफ पिस्टन, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस क्रैंक, R is the radius of this crank, L is the connecting rod length, then N is the obliquity ratio. अब obliquity ratio का मतलब है L upon R, ठीक है, so obliquity ratio जो है N is equal to L upon R, and theta जो है theta यहाँ पे दिया हुआ है inner dead center से यहाँ पे crank का angle, ठीक है, so theta is the particular angle, then F is the here F or we can say A that is the acceleration and Fi that is the inertia force. तो ये equation आपको याद रखना है friends, acceleration और inertia force का जो equation है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, और ये पहले भी कहीं पे भी आपने ये solve किया होगा, ठीक है। Now यहाँ पे अगर इसको multiply करते हैं यहाँ पे तो m omega square r cos theta होगा और m omega square r cos 2 theta upon n, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो ये फर्स्ट आ रहा है दिस इज कॉल्ड दी प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, और यहाँ पे जो सेकंड आ रहा है दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। सो एफ पी दैट इज द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एंड एफ एस दैट इज द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जस्ट इतना याद रखना है कि यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा दैट इज द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एंड ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा अपॉन एन दैट इज द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, ओके। नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज द एफ पी
प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा एंड एफ एस दैट इज द सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा अपॉन एन। ओके, अब थोड़ा ज़्यादा जानते हैं प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्यों जनरेट होता है? तो जब पिस्टन की मूवमेंट होती है रेसिप्रोकेटिंग और यहाँ पे क्रैंक की रोटेशन मूवमेंट होती है, सो इट इज ड्यू टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। ओके, ये क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एंड इट इज द मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180, यानी कि यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये क्रैंक का एंगल है, जीरो पे और 180 पे वो सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो ज़्यादा रहता है, यानी कि ट्वाइस इन अ वन रोटेशन। अगर हम क्रैंक की रोटेशन की बात करें तो ट्वाइस इन अ रोटेशन। ओके, सो अगर हॉरिजॉन्टल में आपको बताऊं, ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे क्रैंक है, ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सेम फिगर, तो यहाँ पे और यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। ओके, नाउ सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स एफ एस, ओके, सो इट इज ड्यू टू द ऑब्लिक्विटी ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पे ऑब्लिक्विटी रेशियो जो हमने देखा था एन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, सो ये अरेंजमेंट अगर इसके कारण जो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स एंड इट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, 90 डिग्री, 180 एंड 360। ओके, यानी कि अगर हम यहाँ पे समझ लो कि ये दो साइकिल में अगर कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो है ये चार बार, ये जो है वो चार बार एक रोटेशन में चार बार ये मैक्सिमम रहता है। ठीक है, सो फोर टाइम इन वन रोटेशन। ओके, फोर टाइम इन वन रोटेशन, सो फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कंपेयर टू द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो डबल है ऑलमोस्ट प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो मॉडरेट, या तो अगर लो स्पीड इंजन है, ठीक है, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स मॉडरेट और लो स्पीड इंजन में हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ इन अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंगल सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो होगा, पिस्टन की बात करो, ठीक है, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक, ये तो पूरा का पूरा जो है ये सिंगल प्लेन में कवर हो जाता है। ठीक है, सो इट द ऑल रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग मासिस आर इन अ सिंगल प्लेन। ओके, तो ये सिंगल सिलेंडर में ये सब जो है रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट वो सिंगल प्लेन में आ जाते हैं। सो फॉर कंप्लीट बैलेंस ओनली फोर्स वी हैव टू बैलेंस ओनली फोर्स, विच फोर्स? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स दैट वी हैव टू बैलेंस। यहाँ पे हमें कपल को बैलेंस नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सिंगल सिलेंडर है तो हम यहाँ पे कपल को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। कौन से फोर्स? प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, उसको हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था सिंगल प्लेन के बारे में, ये था सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में, उसके बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे, पार्शियल बैलेंसिंग क्या होता है और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।